हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, थंबनेल में आप लोगों ने जो भी देखा बिल्कुल सही देखा कि अगर आपको जॉब करना है दुबई में तो जनवरी में आ जाओ। अब मैं बताता हूँ ये मैं क्यों बोला कि जनवरी 2021 पे अब दुबई पे आ जाओ जॉब के लिए। मैं एंड तक सब कुछ बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख देना, क्योंकि अभी जॉब्स के रिलेटेड, दुबई में जॉब्स के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों मैं बोला कि आप अगर दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो जनवरी में आ जाओ। देखो क्या हुआ, कोरोना चालू हुआ 2029 में, ठीक है, और लॉकडाउन चालू हुआ पूरी दुनिया में फरवरी 2020 में लॉकडाउन चालू हो गया था। दुबई में भी फरवरी में ही लॉकडाउन चालू हुआ था। तो जब लॉकडाउन चालू हुआ तो सबका हालत ख़राब हो गया, सब कंट्री का इकोनॉमिक इतना ज़्यादा डाउन हो गया। दुबई का भी ऐसा ही हाल होता है। दुबई में लॉकडाउन चालू हुआ था मार्च 26 को, ठीक है। उसके बाद से जितने भी कंपनियां था सबका हालत इतना ख़राब हो गया था, वो सैलरी भी, स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पा रहा था और जॉब से भी निकाल दिया था। निकाल मतलब ऐसा नहीं, पहले सैलरी रिड्यूस किया था जैसे 30%, उसके बाद 50%। तो ऐसे करते करते शुरुआत हुआ था, मान लीजिए मार्च में लॉकडाउन चालू हुआ था, मार्च के एंडिंग में था, अप्रैल मई जून जुलाई, ये चार महीना कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था। लोगों का सैलरी रिड्यूस किया गया था, कुछ लोगों को लीव पे भेज दिया गया था कि अब आप लोग जाइए, जब हालात सही होगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो इसी तरह बड़े बड़े कंपनियाँ, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कंपनियाँ यही किया था कि स्टाफ को घर भेज दिया था। उसके बाद से क्या हुआ, आप लोग देख सकते हो दुबई में आईपीएल हुआ, अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है वो दुबई में ही आ रहे हैं अपना फिल्म शूटिंग करने के लिए। उसके बाद जो भी इन लोगों का मतलब काम है, बिजनेस वगैरह, क्या हुआ धीरे धीरे चालू हुआ, मतलब सितंबर से चालू हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर से ऑलमोस्ट बहुत कुछ चालू हो गया था। तो जब ये चालू हुआ तो जहाँ पर कमियाँ थी, मतलब आदमी निकल लिया था, कंपनी वालों ने आदमी निकाल दिया, चाहे वो होटल लाइन में हो या परफ्यूम कंपनी है, जिस तरह का भी कंपनी है, सब कंपनी में ऐसा ही हुआ था, तब स्टाफ को निकाल दिया था। अभी क्या है, वो जो कमियां, मतलब पहले 100% स्टाफ था, उसके बाद जब लॉकडाउन चालू हुआ तो 70% स्टाफ से काम चलाया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बहुत ज़्यादा सही हो चुका है। सही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो आईपीएल भी हो चुका है, उसके बाद अभी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आने लग गया, तो माहौल कुछ मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ। उस हिसाब से देखें तो नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है कंडीशन। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोला कि अगर आपको जॉब करना है तो आप क्या कीजिए, दिसंबर ख़त्म होने के बाद जनवरी में जब आएंगे तो वो जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है, वो जो कमियाँ था कंपनी में, वो क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद जब पूरा होने लगेगा तो स्टाफ की ज़रूरत है ही। आप अगर विजिट वीज़ा से आएंगे दुबई में तो आपको हो सकता है, मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए दुबई में, क्योंकि अभी स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये सोच रहा हूँ आप लोगों को एक छोटा सा हेल्प, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए ही बोल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि विजिट वीज़ा एक महीने का कितना खर्चा आएगा या तीन महीने का कितना खर्चा आएगा या आपको कैसे दुबई में जॉब मिलेगा। इस रिलेटेड मैं दो तीन वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करूंगा। इसलिए आई होप मुझे जितना मेरे से एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, और बाकी वीडियो में आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि विजिट 30 दिन का कितना खर्चा आएगा या 60 दिन का कितना, 3 महीने का कितना खर्चा आएगा विजिट वीज़ा का, और कैसे आप अगर दुबई आओगे तो आपको कैसे जॉब मिलेगा। इस रिलेटेड बाकी जो जानकारी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आई होप वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन वाला है, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी इसी तरह वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।